दोस्तों अन्योन्गासयो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BTS के आने वाले वर्ल्ड टूर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस आने वाले वर्ल्ड टूर में BTS इंडिया भी आ जाएंगे और उनका ये वर्ल्ड टूर काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि शायद BTS का अब वर्ल्ड टूर नहीं होगा, यानी अगले साल BTS शायद वर्ल्ड टूर पर ना जाएं। तो दोस्तों, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं, ये सभी कुछ जानने से पहले हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फाइनली 2 साल बाद BTS ने अपना ऑफलाइन कॉन्सर्ट किया था लॉस एंजलिस यानी US में। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, यानी दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कुछ ही वक्त पहले BTS के कोविड पॉजिटिव होने की रिजल्ट सामने आए हैं, जहां पर BTS के 3 मेंबर यानी सुगा, RM और जिन को कोविड पॉजिटिव बताया जा रहा था। दोस्तों, इसके साथ साथ दुनिया भर में कोविड की थर्ड वेव आने की बातें हर जगह पे चर्चा में है और बहुत ही सारी ऐसी कंडीशंस बताई जा रही हैं जिससे लगता है कि कोविड की थर्ड वेव भी शायद जल्दी ही आ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में हमें नहीं लगता कि कोविड की थर्ड वेव में BTS अपना कॉन्सर्ट कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों BTS के वर्ल्ड कॉन्सर्ट के लिए या फिर वर्ल्ड टूर के लिए उन्हें बहुत ही सारी कंट्रीज़ में जाना पड़ता है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में तो जाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी, जैसा कि उन्हें पिछले 2 सालों में नहीं मिली थी। इसके साथ साथ अगर केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो जिस तरह के स्केल पर BTS का कॉन्सर्ट होता है, यानी इतनी सारी ऑडियंस वहाँ पर होती है, इस तरह लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन भी नहीं मिलेगी और ये सेफ भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ कोविड जैसी चीज़ के चलते BTS अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में नहीं जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग जो इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे, उनका ये भी कहना है कि BTS के 3 मेंबर खुद ही कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि ये कॉन्सर्ट तो इतने सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ लिया गया था और कोविड के ख़त्म हो जाने के इतने वक्त बाद लिया गया था। तो ऐसे में काफ़ी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद BTS अपना वर्ल्ड टूर अगले साल ना करें। दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को पता ही है कि BTS ऑलरेडी 2022 मार्च में अपना सोल का कॉन्सर्ट अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर कंडीशंस उनके फेवर में नहीं रही तो शायद वो अपना ये कॉन्सर्ट भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, ऐसे में आर्मी का मानना है कि BTS को सबसे पहले अपनी और आर्मी की सेफ्टी के बारे में ही सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें। इसके साथ साथ हमारे अमेजिंग चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।